हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? तो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट फ्रॉम ग्रामर सेक्शन, दैट इज क्लॉज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्लॉज पर सेपरेटली कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एनालाइज द क्लॉजेस। क्लॉजेस सेपरेटली आपको एनालाइज करके लिखने के लिए कहा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये बताता हूं कि क्लॉज का सपोर्ट हेल्प हमें लेना है व्हाइल मेकिंग द सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या सिंपल, दैट इज सिंथेसाइज करने के लिए क्लॉजेस ही काम में आने वाले हैं। इसीलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंसिस्टिंगली ये बताता हूं कि स्टे फोकस्ड टू व्हाट एवर आई विल एक्सप्लेन, आई विल से, आई एम गोइंग टू से। जो भी हम क्लॉजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत माइन्यूटली विथ कीन ऑब्जर्वेशन आपको ये अटेंड करना है, कुछ डाउट मन में नहीं रखना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लॉज। इट इज क्लॉज। क्लॉज देखने से पहले मैं आपको ये पूछता हूं कि सेंटेंस क्या होता है, बताइए। कौन बोलेगा? ठीक है, मैं बताता हूं। सेंटेंस, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। व्हाट इज दैट? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस। क्या कहा मैंने? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस इज नथिंग बट सेंटेंस। जरा इधर देखिए, आई एम अ टीचर, ये कुछ वर्ड्स है इसमें ग्रुप में। ये जो ग्रुप है वर्ड्स का, इसको कंप्लीट सेंस है, मीनिंग है, तो ये सेंटेंस हो गया। दूसरा ग्रुप देखिए, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब ये कुछ वर्ड्स है इस ग्रुप में, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसको कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट मीनिंग है, तो ये ग्रुप जो है इसे हम कहते हैं, ये है सेंटेंस। ठीक है, अब दूसरे वर्ड्स में मैं बताता हूं, सेंटेंस इज मेड ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या कहा? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब ये जो पहला सेंटेंस है ये कैसे बना है, देखो, ये सब्जेक्ट है आई, एंड रिमेनिंग ये जो है दैट इज प्रेडिकेट। क्या है वो? प्रेडिकेट। दूसरे ग्रुप में देखिए, ये है सब्जेक्ट ही एंड वाज प्लेइंग क्रिकेट, ये है प्रेडिकेट। क्या है वो? प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों से बन रहा है सेंटेंस, ये यहां पे हमें समझ में आएगा। अब ये मैंने इसलिए आपको यहां पर बताया है क्योंकि इसकी जरूरत इधर है हमें। आप क्लॉज की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, क्लॉज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्या कहा मैंने? क्लॉज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। बट कैसा? देखिए, क्लॉज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग सेपरेट सब्जेक्ट एंड सेपरेट प्रेडिकेट। अब एक एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए, आई नो दैट यू आर मैड। क्या है सेंटेंस? आई नो दैट यू आर मैड, ये पूरा सेंटेंस है। यहां आई ये जो है ये सब्जेक्ट है, एंड यहां से यहां तक पूरा प्रेडिकेट है,
दोनों से बना सेंटेंस। अब क्लॉज जो होता है वो इसी ही या ऐसे ही वाक्य का पार्ट होता है, बट कैसा पार्ट? मैंने आपको बताया कि सेपरेट सब्जेक्ट सेपरेट प्रेडिकेट जहां पर हमें दिखता है वाक्य में वो जो पार्ट होता है उसे हम क्लॉज कहेंगे। अब ये गिवन सेंटेंस में देखिए, ये दो पार्ट्स में ऐसे बना देता हूं, ये पहला एंड ये दूसरा। दोनों पार्ट्स गौर से देखिए, ये है सब्जेक्ट, ये है प्रेडिकेट, ये है सब्जेक्ट, ये है प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये दोनों से इस पूरे वाक्य का एक ऐसे पार्ट हमें मिल रहा है जिसमें सेपरेटली सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दिख रहे हैं, तो ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे क्लॉज। अब दूसरा पार्ट देखो, यहां से यहां तक, दूसरे पार्ट में भी हमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेपरेटली दिख रहे हैं, तो ये जो पूरा वाक्य है पूरा सेंटेंस है इस सेंटेंस में ये इतना जो पार्ट है इसे हम कहेंगे क्लॉज। फिर से क्लॉज, ये पहले वाला अगर हम गौर से देखते हैं तो इस पार्ट में हमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट दिख रहा है, सेकंड पार्ट में भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दिख रहा है, तो ये हो गया पहला क्लॉज, ये हो गया दूसरा क्लॉज। क्लॉज के टाइप्स होते हैं तीन, मेन क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उनके डिटेल्स हम देखते हैं, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, सबसे पहले मैंने बताया आपको मेन क्लॉज। अब मेन क्लॉज, इन अदर वर्ड्स प्रिंसिपल क्लॉज उसे कहते हैं, या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी उसे कहा जाता है। क्या कहा मैंने? इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब जो क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है वो मेन। जिस क्लॉज को खुद का सेंस कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती है, ऐसा जो पार्ट, ऐसा जो क्लॉज, उसे कहते हैं मेन क्लॉज। देखिए, अ क्लॉज विच इज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज फॉर कंप्लीटिंग इट्स मीनिंग और सेंस इज नोन एज मेन क्लॉज। अब एक एग्जांपल देखो, द किंग सेड दैट ही वॉज अपसेट। इस वाक्य में ये जो मैंने अंडरलाइन किया है द किंग सेड इतना पार, ये देखिए दिस इज वन क्लॉज, एंड ये बाकी का पार्ट जो है ये यहां से हम हटा भी देते हैं, रिमूव करते हैं, तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब ये जो है द किंग सेड ये इस पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, उसका खुद का सेंस कंप्लीट आ रहा है, तो ऐसा जो पार्ट होता है इसे कहते हैं मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। सेकेंड टाइप देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, तो इट्स वेरी क्लियर सबऑर्डिनेट क्लॉज इज डिपेंड ऑन मेन क्लॉज। कौन डिपेंड है? यस, सबऑर्डिनेट क्लॉज इज डिपेंड ऑन मेन क्लॉज टू गिव इट्स कंप्लीट मीनिंग और सेंस। खुद का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, सेंस कंप्लीट करने के लिए इस क्लॉज को मेन क्लॉज पे डिपेंड रहना होता है, तो ऐसा जो क्लॉज है उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। कैसा क्लॉज? सबऑर्डिनेट। देखिए, अ क्लॉज विच इज डिपेंड ऑन मेन क्लॉज सो एज टू गिव इट्स कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज नोन एज सबऑर्डिनेट क्लॉज।
सबऑर्डिनेट क्लॉज में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में आपको रखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिंस विथ सबऑर्डिनेटर। क्या कहा? सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिंस विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे दैट, इफ, बिकॉज, दो, अल्दो, हु, हुम इत्यादि वगैरह। ये ऐसे जो सबऑर्डिनेटर्स है इनसे स्टार्ट होता है, बिगिन होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियरली ये सेंटेंस या ये पॉइंट पक्का ध्यान में रखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिंस विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिंस विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के कुछ टाइप्स भी है जो हमें इन डिटेल देखने हैं। वो देखने से पहले जरा ये एग्जाम्पल देखिए, द किंग सेड दैट ही वॉज अपसेट। अब ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, देखो दैट ही वॉज अपसेट, ये इस पर डिपेंड है, पहले पार्ट पर ये डिपेंड है, मतलब इसको कंप्लीट सेंस नहीं है, इसको इस पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, तो इसे कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। कैसा क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज। बिगिन हुआ है सबऑर्डिनेटर से, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, दैट ये स्टार्टिंग में आया है, ठीक है। अब तीसरा टाइप है क्लॉज का, कोऑर्डिनेट क्लॉज। पहला हो गया मेन क्लॉज, उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, या उसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंड होता है। एंड तीसरा टाइप है कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज में होता क्या है, देखो बच्चों, दो इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट्स होते हैं, उनको कंबाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए कोऑर्डिनेटर का यूज किया जाता है। व्हाट सेड? द टू पार्ट्स हैविंग इक्वल इंपॉर्टेंस आर कंबाइंड, ज्वाइंड, कनेक्टेड बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लाइक, जैसे एंड, बट और येट। ये जो कोऑर्डिनेटर्स है इनको यूज किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल देखो, दिस एप्पल इज अट्रैक्टिव बट इट टेस्ट्स वेरी बैड। अब ये पहले वाला जो क्लॉज या पार्ट है, दूसरे वाला जो पार्ट है या क्लॉज है, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के है, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के पार्ट्स या क्लॉजेस बट का यूज करके यहां पर कंबाइन किए हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस पर ऐसे पूछा जाएगा, एनालाइज द क्लॉजेस, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको ये मेन क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ऐसे एनालाइज करके लिखना है। सबऑर्डिनेट क्लॉज की टाइप, सब टाइप भी मेंशन करनी है। तो अब हमें यह देखना जरूरी है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के अलग अलग जो टाइप्स है वो हम कैसे पहचाने। देखिए टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्या कहा मैंने, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, देर आर थ्री टाइप्स। द वन इज नाउन क्लॉज, सेकेंड वन एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड वन एडवर्ब क्लॉज। इसमें से पहली टाइप है नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज क्या होता है यह हमें देखना पड़ेगा। द क्लॉज विच प्लेज द रोल ऑफ नाउन इज नोन एज नाउन क्लॉज। अब इधर आइए, रीना इज माई फ्रेंड, I eat an apple. अब यहां गौर से देखिए, ये noun है क्योंकि it is the name given to person. इधर आइए, ये
एंड एप्पल या सिंपली यू कैन से एप्पल, ये इट इज द नेम यू कैन से नाउन. नेम गिवन टू फ्रूट दैट इज नाउन. अब नाउन का काम क्या होता है, ये फंक्शन क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं. यहां पहले सेंटेंस में रीना ये जो नाउन है वो सब्जेक्ट की जगह आया है. क्या कहा मैंने, ये जो नाउन है ये सब्जेक्ट की जगह आया है. कौन से वर्ब का सब्जेक्ट है, वो इस वर्ब का सब्जेक्ट है. इज ये वर्ब है एंड इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट है ये रीना, वो नाउन है. तो नाउन का काम टू, नाउन का फंक्शन टू प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट. दूसरा वाक्य देखिए, अब ये सब्जेक्ट तो है नहीं, देखते हैं वो ऑब्जेक्ट है क्या. वो कैसे पता चलेगा, ये जो वर्ब है ईट उसे हम व्हाट या हुम से अगर क्वेश्चन करते हैं, आंसर अगर ये आ जाता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. पूछते हैं व्हाट डू आई ईट, एंड ऑब्वियसली द आंसर इज एन एप्पल. व्हाट डू आई ईट, एन एप्पल. तो एप्पल ये हो गया ऑब्जेक्ट. क्या है वो ऑब्जेक्ट. अब मैं ये बता रहा हूं कि नाउन का काम है टू प्ले द रोल ऑफ ऑब्जेक्ट. ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने यहां पर आपको ये बताया है कि नाउन क्लॉज इज नथिंग बट द क्लॉज विच प्लेज द रोल ऑफ नाउन. नाउन का कार्य करने वाला क्लॉज नाउन क्लॉज होता है. रिगार्डिंग दैट मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि नाउन का कार्य फंक्शन होता क्या है. अब आपके ये समझ में अगर आ जाता है या आया है तो अब मैं नाउन क्लॉज के जो टाइप्स है वो अगर बताता हूं तो इजीली समझ में आ जाएंगे. नाउन क्लॉज के अलग अलग सब टाइप्स है जिनमें से पहला नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखो, When the train will depart is not certain. अब इस वाक्य में अगर हम गौर से देखते हैं तो when the train will depart, ये जो पार्ट है is, ये जो वर्ब है इसके लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो अंडरलाइंड पार्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज. यहां आओ, अंडरलाइंड पार्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब. यहां रीना इज के लिए सब्जेक्ट है. तो अब मैं ऐसा कहता हूं कि वाक्य में जो वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो नाउन होता है या हो सकता है. क्या कहा, द वर्ड विच इज प्लेइंग द रोल ऑफ सब्जेक्ट दैट मे बी नाउन. नाउन हो सकता है, एक शब्द है तो वो नाउन, एक क्लॉज है तो वो नाउन क्लॉज. अब यहां पे एक वर्ड है रीना, इसे नाउन कहेंगे. पर इस वाक्य में आइए, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है इतना, ये पूरा इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो सब्जेक्ट का काम करने वाला क्लॉज नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट. तो ये है नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट. दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हाउ ही स्पीक्स रिमेन्स टू बी सीन. अब
हाउ ही स्पीक्स, इतना जो पार्ट है वो रिमेन्स इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे नेहा रिमेन्स साइलेंट, रिमेन्स के लिए नेहा सब्जेक्ट है, ठीक है। वैसे रिमेन्स के लिए ये क्लॉज सब्जेक्ट है। अगर वो सब्जेक्ट है तो हमने यहां पर देखा है जो वर्ड सब्जेक्ट होता है वो नाउन हो सकता है, जो क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो नाउन क्लॉज ही है। तो ये है नाउन क्लॉज। कैसा क्लॉज? नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट अब द वर्ब रिमेन्स। ये दो एग्जाम्पल समझ में आ गए। अब यहां मेन क्लॉज कौन सा है? ये तो हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है, उसमें वो नाउन का कार्य कर रहा है, इसीलिए हमने उसे नाउन क्लॉज कहा है, वो सब ठीक है। लेकिन मेन क्लॉज कौन सा है, ये किन पर डिपेंड है? तो इतना इज नॉट सर्टेन, इतना ही कहते हैं तो वो मेन नहीं होगा, उसके पहले इट ऐसे हिडन है वो लेना पड़ेगा। इट इज नॉट सर्टेन, ये मेन क्लॉज है, ठीक है। यहां पर भी इट रिमेन्स टू बी सीन, ये मेन क्लॉज है। सिर्फ रिमेन्स टू बी सीन मेन क्लॉज नहीं है, कौन सा है मेन क्लॉज? इट रिमेन्स टू बी सीन। अब एनालाइज दो क्लॉजेस, अगर ऐसे प्रश्न आया तो हम क्या करेंगे? ये जो अंडरलाइन किया है ये नाउन क्लॉज है सब्जेक्ट है वैसा लिखेंगे, देन मेन क्लॉज कौन सा है वो लिखेंगे। मेन क्लॉज कौन सा हो गया यहां पर? इट रिमेन्स टू बी सीन, ये है मेन क्लॉज। अब दूसरा प्रकार देखिए, नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट। इधर आइए, आई ईट एन एप्पल, यहां पे एन एप्पल या एप्पल क्या है? वाक्य में ऑब्जेक्ट है। तो जो वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो क्या नाउन हो सकता है? ऑब्वियसली यस, हो सकता है। जैसे ये वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये नाउन हो सकता है, वैसे जो क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह आया है, उसे हम कहेंगे नाउन क्लॉज। कैसा क्लॉज? नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, I know that you are mad. क्या कहा? I know that you are mad. अब इस वाक्य में ये पहले वाला जो पार्ट है I know, ये मेन क्लॉज है, एंड ये दूसरे वाला जो पार्ट है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों है? दैट से स्टार्ट हुआ है, सबऑर्डिनेटर से स्टार्ट हुआ है, एंड इस पर डिपेंड है, तो ये है मेन क्लॉज। कैसा क्लॉज? मेन क्लॉज। और ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्या वो नाउन क्लॉज है? कैसे पता चलेगा? ये जो वर्ब है मेन क्लॉज में का, इसे हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट? व्हाट डू आई नो, क्या कहा? व्हाट डू आई नो, एंड द रिप्लाई, द आंसर इज दैट यू आर मैड। क्या पता है हमें? ये पता है। तो ये व्हाट का आंसर आ गया, व्हाट का आंसर ऑब्जेक्ट होता है, वैसे व्हाट से रिप्लाई जो आया वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो पार्ट है ऑब्जेक्ट की जगह आया है, तो डेफिनेटली वो नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट ही है। कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट। लिखता हूं मैं यहां पर, नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट। अब दूसरा एक वाक्य मैं यहां पर लिखता हूं, ऑलरेडी यहां जो हमने लिया था, द किंग सेड दैट ही वॉज अपसेट, द किंग सेड दैट
ही वॉज अपसेट. द किंग सेड दैट ही वॉज अपसेट. अब इस वाक्य में ये पहले वाला पार्ट मेन है, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है. इसमें ये जो क्लॉज है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. देखिए, द किंग सेड, व्हाट डिड द किंग से, किंग ने क्या कहा, ये कहा. तो ये पार्ट हो गया ऑब्जेक्ट का काम करने वाला. हेंस दैट इज नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट. तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं. देखिए, He asked me why I was crying. देखिए, He asked me, इतना main clause. ये subordinator है, subordinator से start जो होता है वो subordinate clause. ये है subordinate clause. क्या वो object का काम कर रहा है? व्हाट से क्वेश्चन कीजिए इसे. व्हाट डिड ही आस्क मी, उसने मुझे क्या पूछा, क्या पूछा. ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट की जगह आ गया. हेंस दिस इज नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट. क्या कहा? नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट. वन मोर एग्जाम्पल. My mom asked him when he would return. क्या है सेंटेंस देखो. My mom asked him when he would return. अब इस वाक्य में ये पहला जो पार्ट है इतना ये मेन है. अब ये दूसरे वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक, when he would return, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है. ये कैसे कह सकते हैं? सबॉर्डिनेट क्लॉज बिगिंस विद सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ये है सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो सबॉर्डिनेटर से स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली ये सबॉर्डिनेट क्लॉज ही है. क्या वो नाउन क्लॉज है? देखते हैं. सब्जेक्ट का काम तो नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम करता है क्या? देखते हैं. इसे पूछिए व्हाट, क्या पूछना है? व्हाट डिड माय मॉम आस्क हिम, मेरी माँ ने उससे क्या पूछा, क्या पूछा? ये पूछा. तो ये हो गया ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की जगह जो क्लॉज आता है वो डेफिनेटली नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट ही होता है. तो इसे कहेंगे नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब एग्जाम में अगर ऐसा कोई वाक्य आता है तो हमें मेन क्लॉज कौन सा है वो लिखना पड़ेगा, नाउन क्लॉज कौन सा है वो लिखना पड़ेगा, सबॉर्डिनेट क्लॉज उसमें वो नाउन क्लॉज उसकी कौन सी सब टाइप है वो मेंशन करनी पड़ेगी. अब दूसरा जो प्रकार है इसका सबॉर्डिनेट क्लॉज का, एडजेक्टिव क्लॉज, उसके कुछ डिटेल्स हम यहां पर लेते हैं. कौन सा क्लॉज? यस, एडजेक्टिव क्लॉज. क्या आप में से कोई मुझे बताएगा एडजेक्टिव क्या होता है? क्या कोई बोल सकता है? नहीं. ठीक है, मैं बताता हूं. अब दूसरा टाइप हम देख रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज. कैसा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज. मैंने आपसे पूछा है कि एडजेक्टिव क्या होता है. एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन. नाउन के बारे में, नाम के बारे में एडिशनल
इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन देने वाला जो वर्ड होता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे टॉल गर्ल, यहां पे नाउन कौन सा है? गर्ल। क्या है ये? नाउन। कैसी गर्ल? टॉल गर्ल। ये है एडजेक्टिव, क्योंकि ये वर्ड इस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, इसे कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर, यहां नाउन है फ्लावर, कैसा फ्लावर? ब्यूटीफुल फ्लावर, ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या, फंक्शन क्या है? फिर देखिए, टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, नाम के बारे में अधिक जानकारी देना, ये किसका काम है? एडजेक्टिव का। अब जो शब्द, द वर्ड, इफ इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन, वो है एडजेक्टिव। वैसे ही जो क्लॉज नाउन के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है वो होता है एडजेक्टिव क्लॉज। क्या कहा मैंने? देखिए इधर, अ क्लॉज या द क्लॉज विच गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन इज नोन एज, क्या कहते हैं? यस, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज का काम क्या है फिर? नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। अब इस क्लॉज में और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि दिस क्लॉज जनरली बिगिंस विथ रिलेटिव कंजंक्शंस, जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट, इनसे स्टार्ट होता है। क्या कहा मैंने? दिस क्लॉज बिगिंस विथ हु, हुम, हुज, विच, दैट। ये क्या है? सबॉर्डिनेटर्स है, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाला है वो, क्योंकि वो सबॉर्डिनेट क्लॉज का ही टाइप है। अब एडजेक्टिव क्लॉज का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं तो और आसानी हो, आसान होगा आपको समझ में आने के लिए। देखिए जरा एग्जांपल्स, पहले वाला एग्जांपल देखिए बच्चों, माय डैड gave me the gift which was very attractive and useful। अब देखो, my dad gave me the gift, ये एक पार्ट है इधर का, एंड रिमेनिंग जो पार्ट है वो दूसरा पार्ट है। दो अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग क्लॉजेस है, जिसमें ये पहले वाला मेन क्लॉज है। अब ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, विच वॉज वेरी अट्रैक्टिव, इतना जो पार्ट है ये इस नाउन के बारे में, गिफ्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो नाउन के बारे में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है तो डेफिनेटली वो क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। सो इसे कहते हैं, ये है एडजेक्टिव क्लॉज। कैसा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा? यहां से लेकर यहां तक, विच वॉज वेरी अट्रैक्टिव, क्या है वो? एडजेक्टिव क्लॉज। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मिसेस शर्मा हुज हस्बैंड इज
अ टीचर इज अ टीचर कांट डांस। अब देखिए इस वाक्य में मैं यहां से यहां तक अंडरलाइन करता हूं हुज हस्बैंड इज अ टीचर। ये इतना जो पार्ट है अंडरलाइन किया हुआ इस नाउन के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है। मेन क्लॉज है मिसेस शर्मा कान डांस। अब देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ मिसेस शर्माज, तो उनमें से कौन सी कांट डांस? ये जिसका हस्बैंड टीचर है। तो क्या हो गया, ये जो पार्ट है ये मिसेस शर्मा के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। कैसा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज। वन मोर एग्जांपल देखिए, आई सॉ द मैन हु वॉज वेरी लेजी। अब हु वॉज वेरी लेजी, इतना जो पार्ट है इस मैन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। आई सॉ द मैन, बट कौन सा, कैसा मैन? ऐसा जो बहुत लेजी था। तो मैन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, ज्यादा अधिक इंफॉर्मेशन ये क्लॉज हमें दे रहा है, इसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। कैसा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज। तो देखिए मैंने आपको एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है ये बताया, उसके ये तीन एग्जांपल्स बताए जिनमें ये अंडरलाइन जो किया हुआ पार्ट है वो एडजेक्टिव क्लॉज है, और जो नाउन होता है जिसके बारे में वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है वो होता है मेन क्लॉज में, जैसे ये वाला। अब यहां तक मतलब क्लॉज क्या होता है वहां से लेकर उसके टाइप्स कौन से हैं, सब टाइप्स कौन से हैं, नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, ये सब मैंने आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन करके बताया है। अब इसमें मेरा इंटेंशन ये था कि आप में से हर किसी के ये ध्यान में आए कि क्लॉज कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे एनालाइज करना है, ये आप सब एनालाइज कर सको। फिर भी अगर आप में से किसी को यहां से लेकर यहां तक कुछ भी डाउट है या कंफ्यूजन है या कुछ एग्जाम्पल में वो पार्ट कैसे सबऑर्डिनेट हो गया, वो कैसे मेन हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा अगर कुछ है तो वो मन में मत रखिए, विदाउट हेजिटेशन फ्री फ्रैंक बनिए एंड शेयर योर डाउट्स डिफिकल्टीज विथ मी। आई विल एक्सप्लेन देम इन सिंपलेस्ट वर्ड्स, सिंपलेस्ट लैंग्वेज। ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो बेझिझक बोलिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करके हमें बाद में सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस का भी कैसे इंटरचेंज करना है, वो कैसे फॉर्म करने हैं वो देखना है, उसमें क्लॉज का ही काम वहां पर है, क्लॉजेस ही वहां पर काम करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में जितना हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया है वो आई एक्सपेक्ट कि आपके समझ में आ गया है, फिर भी कुछ डाउट है तो विदाउट हेजिटेशन पूछिए। आज के लिए आई थिंक इट इज सफिशियंट। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इसके कंटिन्यूएशन में रहेंगे, इसका पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। आज यहां रुकते हैं।
थैंक यू, हैव अ गुड डे, धन्यवाद।